तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काले चने लिए थे, जिसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा था, जिससे कि अच्छे तरह से फूल गए हैं। अब इन चनों को हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। मैंने इन चनों को बॉयल वगैरह बिल्कुल नहीं किया है, कच्चे ही चने यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने रफली इस तरह से तोड़ लिया है। हरी मिर्च की मात्रा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 1 कच्चा आलू। कच्चे आलू से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है इस नाश्ते में। मैंने यहाँ पर मीडियम आलू लिया है। आप यदि चने ज़्यादा ले रहे हैं तो आलू की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, या आप बड़े साइज का आलू लें। अब इसे हम पीस लेते हैं। पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आलू के अंदर जो पानी रहता है उसी से ये बहुत ही ईजी से पीस जाएगा। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का आपको यहाँ पर इस मिश्रण का टेक्सचर रखना है। यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच के करीबन डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या हरी मिर्च या लाल मिर्च कोई सी भी मिर्च में से एक मिर्च को स्किप कर सकते हैं। आधी चम्मच के करीबन डालेंगे नमक, नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधी चम्मच के करीबन डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी ये रेसिपी खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। फिर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे 1/3 कप के करीबन सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी सामग्री को। पानी का यूज़ अभी हम नहीं करेंगे, बाद में ज़रूरत लगेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बेटर नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अब इस बैटर को हम ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। हमने सूजी डाली है तो सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाए, तो 5 मिनट के लिए इसे हम ढक करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक तड़का पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और तेल को हम यहाँ पर गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच राई। राई को अच्छे से फूटने देते हैं। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से फूटने लगी है। इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन सौंफ। फिर डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और फिर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीबन जीरा। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे। तड़का हमारा बनकर रेडी हो चुका है। 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। एक बार हम इस तरह से बैटर को चला देते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है यह बैटर। अब जो हमने तड़का बनाया, उस तड़के को हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को बिना तड़के के भी बना सकते हैं, लेकिन बिना तड़का लगाने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम आएगा। तड़का लगाने से नाश्ते का स्वाद जो है वो और बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के करीबन खाने का सोडा, और फिर ऐड कर देंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी, और अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी यूज़ किया है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने सूजी वगैरह कैसी दी है। अब इस तरह से मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन में हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो बटर या घी ले सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब जो हमने बैटर बनाया, उस बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से डालने के बाद हल्का हल्का सा इसे हम स्प्रेड कर देंगे। इसकी थिकनेस एकदम ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, और एकदम ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। और इस तरह से पूरे पैन के अंदर हम अच्छी तरह से इसे सेट कर देते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं, और ढक करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ताकि जब हम इसे पलट के पकाएं तो ये अच्छी तरह से पक सके। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से पलट देते हैं। जब ये इजली से पक जाएगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा पैन में से। यदि ये इजली से नहीं निकले तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएं। वाह, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसे पका लेंगे। अब इसे हमें ढककर पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक साइड से ऑलरेडी आधा पक चुका है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इस नाश्ते को पलट पलट कर पका लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये देखिए। वाह, अब आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना लेंगे। तो ये काले चने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।